आज हम बनाएंगे काले चने का सलाद, जो कि बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत हेल्दी और टेस्टी भी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। 100 ग्राम चने को हम पूरी रात के लिए भिगो दिए थे। भीगने के बाद कुकर में थोड़ी सी नमक डालकर मीडियम फ्लेम पे 2 सीटी आने तक उबाल लिए थे और इसे ठंडा कर लिए हैं। चलते हैं अगले प्रोसेस पे। 1 टमाटर 1 खीरा 3 गाजर और 1 प्याज को फाइन चॉप कर लिया है। 1/2 चम्मच काला नमक, 1 चम्मच चाट मसाला, 1/2 चम्मच नमक, 1 चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर, 2 हरी मिर्ची को बारीक कट कर लिया है और हरी धनिया की पत्ती को बारीक कट कर लिया है, 2 लहसुन की कलियाँ, 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा, 8 से 10 पुदीने के पत्ते, 2 हरी मिर्ची और हरी धनिया। इसकी चटनी बनाएंगे। हरी मिर्ची को 2 टुकड़े में तोड़ के ग्राइंडिंग जार में ऐड करेंगे। उसके बाद से लहसुन अदरक और हरी धनिया की पत्ती पुदीना। उसके बाद से ऐड करेंगे दही 1 चम्मच, नमक 1/2 चम्मच, थोड़ी सी पानी और इसे कवर करके ग्राइंड करेंगे 1 से 1.5 मिनट तक। चटनी हमारी रेडी हो गई है, आप देख सकते हैं बिल्कुल फाइन पीस के तैयार है। अब इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब चलते हैं अगले प्रोसेस पे। 1 बड़ा सा बाउल लेंगे और उसमें उबले हुए चने को ट्रांसफ़र करेंगे। इसके बाद ऐड करेंगे हरी मिर्ची कटी हुई। इसके बाद ऐड करेंगे नमक, चाट मसाला और जीरा पाउडर। इसके बाद ऐड करेंगे कटी हुई हरी धनिया की पत्ती, थोड़ा गार्निश के लिए बचा लेंगे। उसके बाद ऐड करेंगे कटे हुए खीरे। इसके बाद ऐड करेंगे कटे हुए टमाटर। इसके बाद ऐड करेंगे कटे हुए प्याज। इसके बाद ऐड करेंगे कटे हुए गाजर, थोड़ी गार्निश के लिए बचा लेंगे। उसके बाद ऐड करेंगे चटनी धनिया पुदीने की। उसके बाद ऐड करेंगे काली मिर्च पाउडर 1/4 चम्मच। मेन मसाला है चना चाट मसाला, इसे 1 चम्मच के करीब इसमें ऐड करें। इसके बाद ऐड करेंगे 1/2 नींबू का रस। और इसे चम्मच या फॉक के सहारे अच्छी तरीके से मिक्स कर लें ताकि चना सब्जी मसाला आपस में मिक्स हो जाए। आप देख सकते हैं सारे सब्जी और चने मसाले आपस में मिक्स हो चुके हैं। अब इसे गार्निश करेंगे। सलाद हमारा रेडी हो गया है। आप इस हेल्दी सलाद का लुत्फ़ उठाएं।